शांत वातावरण और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाने वाला हिमाचल का एक ऐसा जिला जो बर्फ से ढकी शिवालिक रेंज की तलहटी में बसा है। यहाँ की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ पर मौजूद आकर्षक जंगल के रास्ते, हरे भरे घास के मैदान, बर्फीली चोटियाँ निश्चित रूप से आपको अपनी सुंदरता और आकर्षण से मोहित कर देंगी। इस जगह का नाम हिंदू देवी सुलिनी के नाम पर पड़ा है। शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सोलन जिले। सोलन जिले का क्षेत्रफल 1936 वर्ग किलोमीटर है और 2020 की अनुमानित जनसंख्या 6,34,290 है। सोलन जिले में अर्की, कंडाघाट, नालागढ़, सोलन, बद्दी, रामशहर और कसौली 7 तहसीलें हैं। इसके अतिरिक्त दाड़ला घाट, कृष्णगढ़, कुनिहार, ममलिक, पंजेरा और परवाणु 6 उप तहसीलें हैं। सोलन जिले में 2,614 गांव हैं, जो कि 240 ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। जिले का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसके वर्तमान रूप में जिला में भागल, भगत, कुनिहर, कुथार, मंगल, भेजा, महलग, नालागढ़, किंथल और कोठी के कुछ हिस्सों और पंजाब राज्य के पहाड़ी इलाकों में शामिल हैं, जो हिमाचल प्रदेश में विलय कर चुके हैं। इतिहास के अनुसार इन रियासतों पर अधिकांश राज्य गोरखा आक्रमण के हमले 1803 से 1805 तक किए गए थे। 1815 में गोरखाओं के अंग्रेजों से हार जाने के बाद इन राज्यों को मुक्त कर दिया गया था और इनके संबंधित शासकों को बहाल कर दिया गया था। ज्यादातर राज्य क्षेत्र और आबादी में छोटे थे और स्वतंत्रता से पहले शिमला हिल राज्यों के अधीक्षक के नियंत्रण में थे। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 1948 को देश के प्रशासनिक नक्शे पर गौर किया और भगत, भागला, कुनिहर, कुथार, मंगल, भेजा, केंथल और कोठी के राज्यों को तत्कालीन महासू जिले का एक हिस्सा बनाया। सोलन जिले का गठन सितंबर 1972 में भूतपूर्व महासू जिले की सोलन और अर्की तहसीलों और भूतपूर्व शिमला जिले की कंडाघाट और नालागढ़ तहसीलों का विलय करके किया गया था। इस जिले में मशरूम की खेती की जाती है, जिसके कारण इसे भारत का मशरूम शहर भी कहा जाता है। टमाटर की खेती के कारण इसे लाल सोने के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इनके साथ साथ यहाँ पर गेहूं, जौ, सरसों और सब्जियों में मटर, गोभी, प्याज, लहसुन आदि वह कुछ मसालों की फसलें भी उगाई जाती हैं। मशरूम रिसर्च के निर्देशालय DMR चंबा घाट में स्थित है। सोलन को एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है और इसके आसपास कई नामी विश्वविद्यालय व कॉलेज स्थापित किए गए, जिनमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी नौणी, सुलिनी यूनिवर्सिटी सोलन, बहारा यूनिवर्सिटी वाकनाघाट, राजकीय स्नातक कोर महाविद्यालय सोलन और राजकीय महाविद्यालय अर्की आदि शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं यहाँ के कुछ मुख्य चर्चित स्थानों के बारे में, जिनमें से एक अहम स्थान है कसौली। कसौली देवदार के सुंदर जंगलों के बीच में स्थित एक बेहद ही सुंदर और छोटा सा शहर है। यह शहर बेहद ही शांतिपूर्ण पहाड़ी छावनी वाला शहर है। कसौली ब्रिटिशों द्वारा निर्माण किए गए बड़े और भव्य विक्टोरियन इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। कुथार का किला इस जिले के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे सोलन के सबसे पुराने ऐतिहासिक स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस किले को करीबन 800 साल पुराना माना जाता है। जिले में करीबन 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बरोक शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता वाला एक बेहद ही सुंदर और आदर्श पर्यटन स्थल है। इस जगह की सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के साथ साथ आप यहां पर ट्रैकिंग और कैंपिंग जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। सुलिनी माता मंदिर सोलन में घूमने लायक सबसे बेहतरीन दर्शनीय स्थल में से एक है। यह मंदिर सुलिनी माता को समर्पित है। सुलिनी माता मंदिर को सोलन के सबसे पवित्र और पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है।
चैल सोलन के सबसे सुंदर और प्रसिद्ध हिल स्टेशन में से एक है। यह जगह दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट ग्राउंड, हेरिटेज होटल, चैल पैलेस, पोलो मैदान और देवदार के पेड़ों के लिए काफी प्रसिद्ध है। मत्स्थल अभयारण्य 55,670 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विहार सतलुज नदी के तट पर स्थित है। इसमें हिमालय क्षेत्र के काले भालू, जंगली बिल्ली, भारतीय वन्य भालू, लंगूर, सांभर, हिरण आदि जीव सुरक्षित हैं। यहाँ पर कई लुप्त प्राय प्रजातियाँ पाई जा सकती हैं, जिनमें चीयर, तीतर भी शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर जानवरों की अन्य प्रजातियाँ, गोरुस, बकरियाँ, कई अनोखी किस्म के पक्षी हैं। दाड़ला घाट एक वन्य जीव अभयारण्य है, जिसमें तेंदुए, ब्लैक बियर, सांभर जैसे कई वन्य जीव प्रजातियाँ हैं। जिले में मोहन मेकिन ब्रूवी भी है, जो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। यह प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे पुरानी वाइन बनाने वाली फैक्ट्री में से एक है। इसके मालिक कपिल मोहन कभी एशिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे। जटोली शिव मंदिर इस जिले में स्थित एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसकी स्थापना श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज ने की थी। स्वामी कृष्णानंद परमहंस 1950 में जटोली आए थे। दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 11 फुट है। मंदिर का भव्य निर्माण कला का एक बेजोड़ नमूना है, जो देखते ही बनता है। इस मंदिर में लगे पत्थरों को थपथपाने पर डमरू जैसी आवाज आती है। सोलन जिले में स्थित बद्दी और नालागढ़ हिमाचल का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जहां बहुत से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और कंपनियां मौजूद हैं, जो कि हिमाचल और अन्य प्रदेशों के लिए रोजगार मुहैया करवाता है। यहाँ के दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट और बागा में अल्ट्रा टेक सीमेंट प्लांट स्थित है, जो कि हिमाचल की और अन्य नजदीकी प्रदेशों में सीमेंट की आपूर्ति करते हैं। इस जिले के बारे में अभी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है, जिसे हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।